हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मामाज किचन में। आज हम बात करेंगे बच्चों के खान पान के बारे में। बच्चों को ज़्यादातर सब्जियां पसंद नहीं होती हैं क्योंकि उनको साबुत सब्जियां जो है दिख जाती हैं, इसलिए वो पसंद नहीं करते खाना। तो आज हम इसलिए कुकर में उनके लिए सब्जी बनाएंगे। आज मैंने यहाँ पे लिया है पीला मटर लिया है, मैंने रात भर भिगो के रखा था। यहाँ पे एक टमाटर लिया है, दो हरी मिर्च लिया है। हरी मिर्च को हम साबुत डालेंगे सब्जी में, काट के नहीं डालेंगे वरना स्पाइसी हो जाएगा और बच्चों को स्पाइसी पसंद नहीं होता खाना। और यहाँ पे मैंने गोभी लिया है, थोड़ा सा कट किया, छोटे छोटे पीसेस में लिए हैं। बैंगन भी थोड़ा सा लिया है छोटे छोटे पीसेस में। आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं सारी सब्जियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आलू लिया है एक मीडियम साइज़ का, और आलू का साइज़ जो है मैंने यहाँ पे बड़ा रखा है क्योंकि बच्चों को आलू पसंद होता है ज़्यादा। हमने यहाँ पे प्याज नहीं लिया है, हम बिना प्याज के ही आज ये सब्जी बनाएंगे। दूसरी ओर हमने आटा गूंदना है। आटा गूंदने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आटा और इसमें नमक ऐड कर दिया है। और अब इसमें पानी ज़रूरत के हिसाब से लेके हम इसका एक डो बनाएंगे। आप जब भी आटा गूंदें तो उसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर दें, इससे रोटी का टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रोटियां बनती हैं। तो इसी तरह से हम आटे को गूंद के एक डो बनाएंगे, इसे रेस्ट करने देंगे। दूसरी ओर हमने कुकर में तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने जीरा, मेथी और बेलीफ डाल के, और उसमें मटर टमाटर सारी चीज़ें डालना है, हमके सारी सब्जियां डाल के इसको भून लेना है थोड़ी देर। तो और उसी ओर हमें दूसरी ओर मसाले भी रेडी करने हैं। कटोरी में मैंने मसाले लिए हैं, आप देख सकते हैं। मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हल्दी, इस तरह थोड़ा सा धनिया पाउडर, और सारे पानी मिक्स कर दिया। और उसके बाद इस मिश्रण को मैंने यहाँ पे कुकर में डाल दिया है। अब इससे थोड़ा सा पानी देके मिश्रण लगाएंगे। मिश्रण लगाने के बाद, दो से तीन मिश्रण लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। और थोड़ा सा जो पानी रह गया है इसे हम क्या करेंगे, कुकर में ही और दो से तीन मिनट पकाएंगे। और दो से तीन मिनट पकाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ आलू दिख रहे हैं क्योंकि आलू के पीसेस बड़े थे, बाकी कोई भी सब्जियां नहीं दिख रही है। और बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि ये इसमें और भी कोई सब्जियां हैं, सिर्फ आलू दिख रहा है और उनको लगता है कि आलू की सब्जी है और वो खा जाते हैं सारा सब्जी। दूसरी हमारा रोटी भी रेडी है। इसमें थोड़ा सा मैंने घी स्प्रेड कर दिया है, अगर आपके बच्चा घी नहीं खाता है तो अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं इसे ब्रेकफास्ट में यही खाने के लिए देती हूँ। दूसरी ओर हम टिफ़िन भी रेडी कर लेंगे स्कूल के लिए। और जब भी घी स्प्रेड करें एक ही साइड स्प्रेड करें, दोनों साइड घी स्प्रेड ना करें। और हमारा टिफ़िन रेडी है, और एक और हमारा रोटी है, एक दूसरी और सब्जियां हैं, मिक्स सब्जी है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें सारी सब्जियां मिक्स की हुई हैं। और हमारा टिफ़िन रेडी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। इस चैनल में आपको ज़्यादातर रेसिपीज और ब्यूटी टिप्स के बारे में जानकारी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।